हमारे यहाँ से रोड बहुत दूर है, हमको आने जाने में बहुत परेशानी है। जो अच्छे अच्छे जवान है वो प्लान हो गए हैं, बुढ़े बुढ़े हैं घरों में, राशन पानी ले आने के लिए भी दिक्कत ही है, कौन लाएगा कौन देगा हमारे को? शासन स्तर से कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है और विभागीय सूचना कोई अभी तक आई तो है पर वो मतलब संतुष्टि वर्धक नहीं है। और विभाग ये कहता है कि हमारे पास वित्त की वो नहीं है, वित्त हमारे पास की समस्या हो रही है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हमारी जो ये रोड है इनके परिचय इसकी प्रार्थना पत्र पर थोड़ा सा अमल करें। नमस्कार, मैं मोहित दिश्य दोस्तों एक बार एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, एक तरफ हमारा देश आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, एक तरफ आज हमारे अल वेदर रोड की बात हो रही है, एक जगह हमारी बुलेट ट्रेनें जगह जगह भाग रही हैं, हर शहरों में विकास पहुंच रहा है, लेकिन वहीं आज भी हमारे उत्तराखंड के कुछ गाँव ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी दुरुस्त तो है ही है लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा आज भी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी वो उसी जगह पे है जिस जगह पे अंग्रेज छोड़ के गए थे, यानी वहाँ विकास की धरातल पे क्या स्थिति है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6-6 किलोमीटर लोग आज भी पैदल जा रहे हैं, जिन्हें इतना डेवलप होने के बाद में डबल इंजन उत्तराखंड में सरकार है उसके बाद में जिस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये कहीं शर्म की बात है और एक दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए। एक गाँव है सल्ट विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, शालदे ब्लॉक के अंतर्गत का एक गांव है, जो वहां के गांववासियों ने मेरे से काफी निवेदन किया कि आज हम उनके गांव की हालत भी आप सभी को दिखाएं, उनके बारे में भी आज हम आपको बताएं। 6 किलोमीटर लोग आज भी वहां पर पैदल जाते हैं, बड़ी मजबूरी में अपना जीवन यापन करते हैं। किस तरह से लोग जीते होंगे 6 किलोमीटर पैदल, आप किसे बोलते हैं? जहां लोग आज 1 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते वहां भी उन्हें बाइक की जरूरत पड़ती, गाड़ी की जरूरत पड़ती है, वहीं 6 किलोमीटर आप पैदल जाने की अगर बात कल्पना भी कर सकते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा आप अंदाजा लगा दीजिए। तो आइए हम सीधे बात करते हैं भगवान सिंह जी से, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कॉलिंग के माध्यम से, और इनके परेशानी को समझने का प्रयास करते हैं। और अगर नेतागण इस बात को सुन रहे हैं तो कृपा करके इनके गांव की समस्या को हल करें, हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है और क्या कहना चाहते हैं आप? आपका सबसे पहले नाम बताइए और पता बताइए। नमस्कार, मैं भुवन गुप्त्याल, मैं हूँ ठड़ीधार ग्राम सभा नैल विकास खंड सालदे विधानसभा सल्ट अल्मोड़ा से जी। और जी हमारी जो समस्या है वो हमारे वो गांव में रोड नहीं है, तो हमने कई बार कंप्लेंट की, हमने बड़े बड़े अधिकारियों को मेल किया है जी, और हमने वो सीएम साहब को मेल किया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को मेल किया, उसके बाद भी हमारी बात को तो नहीं सुना गया, तो हमने वो सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करी, जिसका वो रजिस्ट्रेशन नंबर है 4296921 ये है, और एक और है 444982। तो आपके वहाँ के विधायक है महेश जीना जी, मैं सही हूँ? हाँ जी बिल्कुल। और आपके वहाँ के सांसद है अजय टमटा जी? जी। तो आपने कभी विधायक जी को ये प्रस्ताव दिया कि हमको रोड चाहिए, कितने किलोमीटर की रोड की मांग है और आपकी, और कितने जनसंख्या है आपके वहाँ पे जहाँ पर रोड से वंचित है जो लोग? लगभग 6 किलोमीटर की है और लगभग 200 लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, 200 लोग की जनसंख्या है, और मतलब एक परिवार का अगर आकलन देखें तो कितने परिवार होंगे? कम से कम वहाँ पे 50-60 परिवार है। अच्छा जी, तो वहाँ पे मतलब रोड का इतना ज्यादा अभाव है और आपने लगातार जनप्रतिनिधियों से मांग की है जी। तो क्या उनका कुछ कभी आए उनकी तरफ से प्रतिक्रिया कि क्या, किस लिए वो रोड नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? तो हमने वो सीएम, जब हमने वो सीएम पोर्टल पर हमने जब कंप्लेंट की तो हमको वो रानी खेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि आप अपने जनप्रतिनिधि का एक स्वीकृति के लिए एक लेटर लिखवा के लाओ। तो हम सांसद महोदय जी के पास गए, हमको उन्होंने लेटर दिए, हमने वो लेटर लगा दिया। अब जो हमारी जो समस्या है वो कह रहे हैं रानीखेत वाले, ये कह रहे हैं कि हमको आगे से हमको शासन से स्वीकृति नहीं मिल रही है और वो जिस कारण हम आपके गांव के लिए रोड नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा तो वहां से भी कोई खास हमको कोई वो फायदा नहीं हुआ है। तो आपके गांव वालों ने कभी, जब आपके वहां विधायक जी आते हैं किसी काम से, तो आपके गांव वालों ने इकट्ठा बैठ के उनसे इस बारे में हल सुलझाने का कोई बात नहीं करी?
सर या अभी तक तो इस मतलब इस तरह का माहौल होता ही नहीं है ना, मतलब हमारा एक पिछड़ा हुआ गांव है, वहां तक मतलब जो हमारे जन प्रतिनिधि है वो नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, मतलब गांव का क्या नाम बताएं एक बार, आप दोबारा गांव का नाम बताएं खाली। हमारा गांव का नाम है थड़ीधार। थड़ीधार, और पोस्ट ऑफिस आपकी? हमारा पोस्ट ऑफिस है नैल, विकासखंड हमारा सालदे है। अच्छा, विकासखंड सालदे के अंदर जाना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो काफी ये जो हमारा गांव है ये काफी पिछड़ा हुआ है रोड से, तो वहाँ पे वो जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, दुरुस्त। अगर पैदल कितना किलोमीटर जाते हैं आप जब अगर सड़क नहीं है तो? लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो आप जब 6 किलोमीटर पैदल जाएंगे तो लॉजिक सी बात है नेता लोग वहाँ पैदल आएंगे नहीं। नहीं, नहीं, नहीं आएंगे। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब आपकी मांग क्या है सरकार से, अगर हमारा वीडियो जन जन तक जा रहा है तो आपकी मांग क्या है सरकार से, और आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे गांव के लिए रोड की स्वीकृति दे दें और जल्द से जल्द आदेश दे दें रोड बनाने का, ताकि ये रानीखेत PWD रोड निर्माण कार्य को शुरू कर सके। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके सभी व्यूअर्स से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर करें, तो ताकि हमारी बात को शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमने आपसे बात करी। और हम यही निवेदन करते हैं, अगर महेश जीना जी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या इनके सांसद इनके जनप्रतिनिधि हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इनके जो मांग है उसको पूरी करें, क्योंकि 6 किलोमीटर का रास्ता बहुत होता है। हम वंदे मातरम एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से लोग पिछड़े हुए हैं इन्हें कहीं ना कहीं हमें भी एक तरफ से शर्म की बात है हमारे पहाड़वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए।